करता है भगवान। आपने एक बात कही भाई जी, चूंकि मेरे दादाजी का कहना था कि भैया नए गाने गाओ, तो आपने उसमें टिप्पणी कर दी कि नए गानों में कीर्तन खराब हो जाता है और नए गानों में कीर्तन खराब हो जाता है, ऐसे गाने गाने चाहिए जिससे कीर्तन जिंदा हो। हालांकि मैंने दादा हरि किशन जी को सुना है, जब मैं गाता नहीं था तब मैंने सुना है, एक गीत वो गाते थे जो कि नया था, नए गीत गाते थे, बिल्कुल हर नए गीत को वो प्रस्तुत करने थे करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कीर्तन की मर्यादा नहीं रखी, ये हर जगह की सभा होती है, जहाँ जैसा माहौल होता वैसा गाना पड़ता है। मैंने कोशिश की, रात भर पब्लिक रुकी, पर जैसे मैं बैठा सब भाग गए, तो ये थोड़ा संकोच हुआ हमको। बाकी आइए सुनिएगा। बिल्कुल बेटा सुनाइएगा। पगन
गए जब कन्हाई मजा आ गया, जब कन्हाई मिले तो मजा आ गया। ऐ सुशीला द्वारिका के भवन गया नंगे पगन, द्वारिका के भवन गया नंगे पगन, मिल गए जब कन्हाई मजा आ गया। तो जानती है धरन, नाम सुन के मेरा श्याम चकरा गए, दौड़ करके वो नंगे पगो आ गए। नाम सुन के मेरा श्याम चकरा गए, जैसे द्वारपालों ने बताया कि एक बूढ़ा सा दरिद्र व्यक्ति द्वार पे आया है, आपसे मिलना चाहता है प्रभु। वो अपना नाम सुदामा बता रहा, वो नंगे पगो आ गए। अरे जान कर अपना जन हो के मन में मगन, जान कर अपना जन हो के मन में मगन, प्रीत ऐसी निभाई मजा आ गया। बड़े भैया जो मास लगाए जरा इस लाइन को सुनेगा भैया जी। अरे देख सबके याद बचपन की आई मजा गया। अरे अरे हुआ ऐसा मिलन, भूला मैं चौथा पन, याद बचपन की आई मजा आ गया, 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 मजा आ गया। अरे देख कर पोटली तंदुलो की प्रिय, क्या बात है, मैंने पोटली याद दबा रखी थी आदरणी दादा जी, मैंने पोटली याद दबा रखी थी। तो देख कर पोटली तंदुलो की प्रिय, छीन कर बोले क्या भाभी जी ने दिए। ऐसे चुपचाप छुपाए खड़े हो, अरे हमारी बहू जी कहाँ भेजे हैं, दिखाओ तो हमें तो देव। अरे देख कर पोटली तंदुलो की प्रिय, छीन कर बोले क्या भाभी जी ने दिए। खा के तंदुल के कन, अरे खा के तंदुल के कन दो ही मुट्ठी किशन, सिर्फ दो ही मुट्ठी खाई केवल, अरे खा के तंदुल के कन दो ही मुट्ठी किशन, संपदा ये गहाई मजा आ गया। ऐसा
कोई कर रहा है कुछ, कर रहा है कुछ तो कर रहा है। हेलो हेलो, भले चाहे तार इधर उधर कर रहा है लेकिन कुछ कर रहा है। हेलो 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 चलो दादाजी सुन लीजिए, तब जाइए बड़े जल्द बहुत जल्दी में रहते हैं आप, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जा रहा है जरूरी काम का। था दुखित हमारा मन कोई जाके सजन, था दुखित हमारा मन किसी जाके सजन ने जब बत्ती जलाई मजा गया। बत्ती जलाने में मजा आ गया, मजा कैसे आया कैसे बेटे, बोले क्या भाभी जी ने दिए तो खा के तंदुल के कन, अरे खा के तंदुल के कन दो ही मुट्ठी किसन। अरे संपदा ये कहाई मजा गया, तो मेरे यू सरारती ने तब मन का माना दिया, यानी कन्हैया ने, अरे यू ऐसी कर दी बिदाई मजा आ गया, 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 मजा आ बढ़िया। एक गीत आया है, आया बढ़िया, मजा आ गया, मजा ही आ गया, मजा आ गया, क्योंकि दो मुट्ठी चावल में जिसको सत्रलोक की संपदा मिले हर गांव से तो मजा आ गया। लेकिन आइए आइए
मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, कहीं कुछ अलग नहीं सोचा गया। आइए मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि आपको जो मजा आ रहा है वो मिलने में आ रहा है। बहन जी आप इस खंड गीत को सुनिए, फिर आप जहाँ जाना चाहें पता करें, क्योंकि ये आपके मतलब का है। बिल्कुल, भगवान कन्हैया बाल्य अवस्था में माता यशोदा ने किया क्या, क्या बेटे? बार बार उलाहने आ रहे हैं तो उन्होंने बांध दिया, वो जब बांध दिया अब देखिए घुटनों के बल कन्हैया चल रहे हैं, तो वृक्षों के बीच से जब निकल गए तो देखिए वो उखल में बने हैं, वो वृक्ष टूट गए। तो जब राधा रानी क्षमा की जगह वो लोग में ये चर्चा होने लगी, तब राधा ने पूछा क्या बेटे? तो कहना वो घबरा गए, लेकिन मेरा हुआ ग्वाल लख के सारे वो चकरा गए, क्या चकरा गए? ऐसी कौन सी बात देखी? बराबर के सरीके हैं, चोरी में कहीं हमको भी ना बांध दिया जाए। कि बंधा उखल से देखा तो घबरा गए। और कन्हैया आपको कैसा लगा? राधा ने पूछा, जब आप बंधे हैं तो कैसा लगा? अब देखिए कन्हैया उत्तर दे रहे हैं राधा को। लेकिन भगवान कन्हैया जब वो ममता के भूखे हैं तो कहना पड़ता है कि मिला ममता का घर, क्या बात है? कि मिला ममता का घर थी बारी उमर, मार माने लगाई मजा आ गया। और ऐसे नहीं कैसे बेटे, कि मेरी कस के कमर, देखिए उन्होंने बांध दिया कि मेरी कस के कमर, मेरी कस के कमर, अब बांध तो दिया लेकिन दुख रही है, समझिए कस के तो रोल, कि मेरी कस के कमर तो मेरी कस के कमर छड़ी जो ही लगा राधा रानी उस भाव समझ गई है। आइए एक टुकड़ा और माता यशोदा के दुलार को नहीं भुला पा रहा हूं।
ये रहा आपके सुंदर से। हेलो 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 नीलम विश्वकर्मा जी, मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी। क्या बात आप? चलिए, जैसा कि आदेश हुआ है बिल्कुल दादाजी के आदेश का पालन करते हुए। बहुत ही हालांकि समय हो चुका है लेकिन फिर भी प्रयास है। आइए एक गीत पढ़ रही हूँ बिल्कुल बेटे, एक निवेदन के साथ कि हमारी माताएं बहनें कहीं नहीं जाएंगी बिल्कुल, वरना सचदेव भैया कहेंगे कि उन्हों को भी भगा दिया और का, क्योंकि हमारा गाना आपको समझ में नहीं आ रहा, बार बार कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में मैं इतनी बड़ी कलाकार नहीं हुई हूँ कि आप लोगों को समझा सकूं, बस ये आपका बड़प्पन है जो हम लोगों को समझ रहे हैं। गाया फिर भी दुनिया वालों ने क्या बोले? कि वंठन के कहा देवी मुझे ऐसा होता
आपका, कहा तुम नहीं जा सकती बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा अवतार लेना है। तो माता ने एक तर्क दे दिया कि जन्म जन्म तक रगड़ हमारी, वरह शंभु न तर रहो कवारी। हे नाथ, जब मैंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं अकेली यहाँ कैसे रह पाऊंगी? होता क्या है? माता भवानी कहने लगे, शिव है जहाँ बस वही शिवा है, देखिए। और सचदेव बाजी आपसे निवेदन है कि शब्दों पर विशेष गौर करिए। शिव है जहाँ बस वही शिवा है, शिवा रहे ना शिव के सिवा है, शिव हनुमान रूप में जाए, शिव सदा संग रहती।